हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सुनील और स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो भाई अभी टाइम की बात करो तो बराबर 8 बज चुके हैं भाई, और मैंने भाई आज गिग्स बुक किए थे। जोमेटो पर जाने की प्लानिंग थी मेरी पूरी, और आज भाई 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के गिग्स बुक किए थे। और मैंने सोचा कि भाई 7:30 बजे अपन जोन में पहुँच जाएंगे और वहाँ पर जाके भाई 9 बजे तक काम करेंगे, और 9 बजे तक मतलब अच्छे खासे ऑर्डर मिलेंगे। तो भाई 10 बजे और 11 बजे वाला भी बुक कर लेंगे और 12 बजे तक के भी बुक कर लेंगे, मतलब 12 बजे तक काम कर लेंगे अगर अच्छे खासे ऑर्डर मिले तो। पर दोस्तों प्रॉब्लम एक हो गई, प्रॉब्लम ये है कि भाई आप लोग मौसम देखो, पूरा का पूरा भाई आंधी तूफान जैसा मौसम बना हुआ है। बारिश भी हो सकती है, और थोड़ी बहुत बारिश भी हुई जब मैं रवाना हो रहा था जोमेटो पर, जब मतलब बैग वगैरह डाल रहा था, तो सब लोगों ने मेरे को मना कर दिया कि भाई अब नहीं जाना क्योंकि आंधी की संभावना है। पूरी मौसम काफ़ी ज़्यादा गहरा पड़ चुका है भाई, बिल्कुल ब्लैक बादल हो चुका है ऊपर की तरफ, और काफ़ी मतलब भयानक मौसम बन चुका है आंधी वाला। तो इस वजह से भाई मैंने जो है जोमेटो पर जाने की प्लानिंग कैंसिल कर दी, और भाई 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के गिग्स बुक कर रखे हैं मैंने, तो भाई वो अभी कैंसिल नहीं कर सकता हूँ। रीजन क्या है कि भाई अभी जो है वो गिग्स स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद मैं कैंसिल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं 11 बजे और 12 बजे वाले गिग्स बुक किए होते, 10 बजे वाले किए होते, तो वो कैंसिल कर सकता, बट ये जो है अब गिग्स स्टार्ट हो चुके हैं तो ये मैं कैंसिल नहीं कर सकता हूँ चलते हुए गिग्स को, ठीक है। तो इस वजह से भाई इसकी पेनल्टी लगने वाली है, तो लगभग 2 घंटों की गिग्स है, ठीक है। 2 घंटों की गिग्स जो है इसकी 5 और 5-10 रुपये की पेनल्टी लगने वाली है मेरी, और ज़्यादा भी हो सकती है भाई क्योंकि बिल्कुल काम नहीं करने वाला हूँ, तो हो सकता है गड़ती बढ़ती रहती है क्योंकि जोमेटो की नई नई अपडेट आती रहती है, तो उसमें हो सकता है, ठीक है। और भाई इंसेंटिव भी अच्छा खासा था, 200 रुपये का इंसेंटिव था, 5 ऑर्डर का टारगेट था, और 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में जो है 2 घंटा लॉगिन रहना था, ठीक है। तो 7:30 बजे मैं जोन में पहुंच जाता, लगभग मेरे को 2 घंटे की जगह 2.5 घंटे मिल जाते, और 2.5 घंटे तक मैं लॉगिन रहता, तो भाई जो 2 घंटों वाला टारगेट था वो भी पूरा हो सकता था। पर दोस्तों क्या कर सकते हैं भाई, मौसम इतना खतरनाक हो चुका है, तो भाई क्योंकि भाई 14 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में हाई अलर्ट रखा गया है भाई बहुत सारे इलाकों में, जैसे कि मुंबई हो गए, इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा चक्रवाती तूफान आ रहे हैं, और यहाँ पे भी संभावना है भाई यहाँ तक भी असर होगा, ठीक है। तो इस वजह से भाई काफ़ी मतलब माहौल ख़राब हो रहा है अभी मौसम के हिसाब से। तो इस वजह से भाई मैं जोमेटो पर गया नहीं, और भाई यहाँ से जो है जहाँ पे मैं रहता हूँ फ्लैट में, आप लोग देख सकते हो उधर की तरफ मेरा घर है, और यहाँ पे आसपास में कोई भी घर नहीं है। तो अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा दूर रह रहे हैं सिटी से, पहले मतलब 2-3 किलोमीटर नज़दीक थे सिटी के, बट अब 2-3 किलोमीटर और सिटी से दूर आ गए। रीज़न यही कि भाई यहाँ पे जो हम लोग फ्लैट में रहने लग गए, मतलब 3-4 किलोमीटर मेरे को जो है आउटसाइड आना पड़ता है रात को। आंधी या बारिश आ गई तो मेरे पास सबसे पहले तो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे पास ना तो कोई रेन कवर है, रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे गैजेट वगैरह, मोबाइल वगैरह, कैमरा वगैरह सब कुछ जो है इनके लिए कोई भी मतलब प्रोटेक्शन नहीं है रेन के लिए, अगर बारिश हो गई तो सारा कुछ भीग जाएगा। तो इस वजह से ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी भाई सिटी में काफ़ी ज़्यादा बारिश का असर रहता है क्योंकि सिटी में सारा मतलब रोड है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भाई पानी आता है ज़्यादा मात्रा में, पीछे के और भाई पहाड़ वगैरह सारा कुछ है सिटी में, तो सबसे ज़्यादा असर जो है सिटी में ही रहता है भाई बारिश का, बहुत ज़्यादा पानी आता है ऊपर से, मतलब पहाड़ वगैरह है वहाँ से आते हैं। तो इस वजह से भाई जोमेटो पे जा नहीं पाया, और यही सारा रीज़न था जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना था। मैंने सोचा भाई छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, और भाई पिछले वीडियो में आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा मतलब प्यार मिला भाई, बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिला आप लोगों का, और बहुत सारे लोगों ने भाई वीडियो देखा, लगभग 250 लोगों के आसपास मेरे जो वीडियो देखा, और अभी भी मतलब काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, लाइक भी आ रहे हैं और लोग कमेंट भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है भाई आप लोग इस तरह से सपोर्ट करते हो। तो इसी सपोर्ट की वजह से, इसी मोटिवेशन की वजह से मैं यार जोमेटो पे जा रहा हूँ, और भाई रात को काम कर रहा हूँ इस वजह से, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा इनकम तो नहीं है भाई जोमेटो पे जितना हम जो है जितना लोग बताते हैं या हम जो है एक्सपेक्ट करते हैं, इतनी तो नहीं है, बट अगर मेहनत करते हैं तो भाई हो जाता है, जुगाड़ हो जाता है, खर्चे का हो जाता है, ठीक है। ये जो इनकम आप लोग सुनते हैं वो फुल डे वालों के लिए है भाई, जो फुल डे ओल्ड जो है राइडर है, जो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं लगभग 2-3 साल से, तो उनके पास ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, और उनके पास मतलब लोकेशन का भी प्रॉब्लम नहीं रहता है, और वो लोग मतलब मैप वगैरह का भी यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उनको हर चीज़ पता रहता है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, और हर जगह जोधपुर की हर गलियों में घूमे हुए तो उनको पता रहता है, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे कि भाई कौन सी सिटी में काम करते हो, तो मैं बता दूं भाई मैं राजस्थान के जोधपुर जिले में काम करता हूं सिटी सेंटर में। तो बस यार ये थी छोटी सी वीडियो जो कि काफ़ी लंबी हो चुकी है भाई, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताई, और भाई देखते हैं भाई कल क्या होता है क्या नहीं होता, कल भी काफ़ी हाई अलर्ट है भाई, 15 तारीख को और 16 तारीख को काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट है तूफान, तो इस वजह से भाई हो सकता है कल भी ना जा पाऊँ, अगर नहीं गया तो आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करूंगा। जोमेटो के अंदर भी काफ़ी सारी नई नई अपडेट आई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करना शुरू कर दूंगा भाई, और छोटे छोटे वीडियोज आप लोगों के साथ बनाकर शेयर करने लगूंगा अपडेट वगैरह का, ठीक है, अगर नहीं जा पाऊंगा तो, ठीक है, और टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, अगर कल जाऊंगा तो कल आप लोगों का साथ अपडेट शेयर कर दूंगा, और वीडियो भी पूरा आ जाएगा अगर जाऊंगा तो, ठीक है, और नहीं गया तो थोड़ी सी अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। होप्स दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। और भाई आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दिखाइए, और भाई को थोड़ा आगे बढ़ाइए और मोटिवेट कीजिए काफ़ी ज़्यादा, ताकि मैं भी बढ़िया से काम कर पाऊँ, एंड यूट्यूब पर भी ध्यान दूँ ज़्यादा, और साथ ही साथ जोमेटो के भी काफ़ी सारे वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, और नए नए एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।